हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। आज इसका पार्ट 1, इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। अगर आप लोग इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए। और इंट्रोडक्शन देखने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं बनेगा, ठीक है? शुरू किया जाए भाई साहब, आप लोग बना कर आए हो? बना कर आए हैं, मिलाइएगा, ठीक है? मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या करना है? इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। पहला, दूसरा, फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। उसका स्लोप, स्लोप मतलब ढाल निकालना है, और वाई एक्सिस निकालना है, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई अंतःखंड निकालना है, ठीक है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है। एक बार इंट्रोडक्शन जाकर देखिए, पूरा फॉर्मूला जितना इसमें यूज होगा इतना 18 क्वेश्चन में सारा का फॉर्मूला का प्रूफ है, ठीक है? सारा एग्जांपल किए हैं। इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल देखने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं बने। एक्सरसाइज नहीं बनता तो बात मोच पे आती है। चलो भाई ध्यान से देखियो क्या कर रहा है। इसमें ढाल निकालना है, ढाल अंतःखंड रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बोलिए कराओ क्या? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एक नंबर करते हैं इसको, एक्स प्लस 7y बराबर 0। इसको किसमें आना है? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इस रूप में लेके आना है, इस रूप में लेके आना। आप लोग ले आइएगा, बट यही लोगों से पूछ रहे, आप लोग तो बनाइए नहीं हमें, लोगों से पूछ रहे। तो पहले इसको लिख देंगे 7y बराबर में माइनस एक्स प्लस में 0 कर देते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है ना, तो y बराबर 7 कर जाएगा, तो माइनस एक बटा 7 एक्स प्लस 0 बटा 7 मतलब 0। तो ई तो आपका क्या हो गया? ई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद निकालना है स्लोप। स्लोप समझते हैं ना, स्लोप ढाल होता है। क्या होता है? एम का मान, एम कितना है इसमें? इसको पूरा कीजिएगा भाई, माइनस वन बाई। उसके बाद क्या निकालना है? वाई इंटरसेप्ट। क्या निकालना है? वाई इंटर, वाई अंतःखंड निकालना है। क्या हो जाएगा? सी, सी का मान हो गया 0। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, सिक्स एक्स माइनस प्लस में 3y माइनस 5 बराबर 0। ए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का लिखना, इसको लिखते हैं 3y बराबर माइनस सिक्स एक्स माइनस 5 लगाके, तो y बराबर क्या जाएगा? माइनस 6 बाई 3x प्लस 5 बाई 3। कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये तो आपका क्या हो गया? अरे रुकिए, y बराबर माइनस 2x प्लस 5 बटा, ये आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब निकालिए स्लोप। स्लोप मतलब ढाल। ढाल क्या होता है? m। m बराबर हो गया आपका कितना? y बराबर m स्क्वायर से कंपेयर करेंगे माइनस 2। y कैसे 5/3 है? y इंटरसेप्ट कितना होगा? 5/3। c का मान ये होगा। तीन नंबर क्या कहता है? y बराबर 0। अरे y बराबर 0 है तो सुनो 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 y बराबर df है। सुनो, 0 into x प्लस में ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप यानी m, क्या आ जाएगा? 0। इसका y इंटरसेप्ट ये क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? और आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, मिला लिए, सही है? आप लोग के इंट्रोडक्शन देख क्या होंगे, बना लिए होंगे, ठीक है? नहीं बना होंगे तो बना के ये बोले, ठीक है? अपने आप बनेगा क्वेश्चन। क्या कर रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। और उसका क्या निकालना है? इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक्सिस है, एक्सिस एक्स और वाई दोनों, एक्स दोनों का इंटरसेप्ट निकालना है, दोनों अक्ष का इंटरसेप्ट। पहला सवाल देखिए, अच्छा इसको किस में तुलना है? सुनिए सुनिए, ये इस प्रकार है, और ऐसा होगा ये है वाई इंटरसेप्ट, ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट। इसका इक्वेशन क्या है? एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर, इस पर लेके जाना है इंटरसेप्ट फॉर्म, यही ना होता है। आइए पहला सवाल,
थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस बारह बराबर जीरो, बारह को परिवर्तन हो जाएगी, तीन एक्स प्लस दू आई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बारह से भाग दीजिए, तीन एक्स बटा बारह प्लस में दू आई बटा बारह बराबर बारह बटा बारह, ये हो गया एक्स बटा तीन चौका बारह, एक्स दू आई बटा छ बराबर है। और इसको कंपेयर कर लीजिए इससे भाई, कंपेयर कीजिएगा, सुनो 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 सुनो, ए को सुनो, ए को क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, बी को वाई इंटरसेप्ट, तो हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स बटा ए या एक्स बटा चार है चार, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटा बी या वाई बटा छ, ठीक है, कोई दिक्कत, आइए क्वेश्चन नंबर, इसको हटा दे क्वेश्चन नंबर दो देख लेते हैं, चार एक्स माइनस तीन वाई बराबर छ, अरे बराबर के बाद दिया, आसान कर दिया, दोनों तरफ छ से भाग दीजिए, चार एक्स बटा छ माइनस तीन वाई बटा छ बराबर छ बटा छ ना, डिवाइडिंग डिवाइडिंग सिक्स बोथ साइड, ठीक है, अब सुनिए क्या होता है, ध्यान से, ये हो जाएगा दो बटा तीन एक्स माइनस में एक बटा सीधे वाई बटा दो बराबर एक, सुनिए इसको गड़बड़ से रखना चाहिए, एक्स बटा में तीन बटा दो माइनस वाई बटा में दो बराबर, अब सुनिए, अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, एक्स बटा ए, ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, थ्री बाई टू, बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, अरे लिखना दो भाई, एक्स इंटरसेप्ट हिंदी में लिखेगा एक्स अंतःखंड, बी के मान कितना है मेरे भाई, फिर माइनस दो माइनस दो, ये हो गया माइनस दो, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस ना होता है, प्लस माइनस, ये आपका है वाई इंटरसेप्ट, तीन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या भाई, तीसरा तीन वाई प्लस दो बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बराबर में दुबे दीजिए, तीन वाई बराबर माइनस दो, अच्छा इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्स के रूप में मिलाना पड़ेगा, एक्स के रूप में लाइएगा तभी तो होगा, जीरो इंटू एक्स प्लस में तीन वाई बराबर में, अब माइनस दो से भाग दीजिए, जीरो इंटू एक्स बटा में माइनस दो प्लस माइनस तीन का तीन वाई बटा माइनस दो बराबर माइनस दो बटा माइनस दो, इधर कहानियां खत्म हो गया, जीरो इंटू एक्स हो जाएगा माइनस में वाई बटा में माइनस दो दो बटा तीन हो जाएगा माइनस पर तीन पर बराबर एक, इस फॉर्म में हो गया इंटर से, इसी फॉर्म में ना इंटर से, आप सुनिए इसमें एक्स एक्स इंटर से दिया हुआ जीरो, वाई इंटरसेप्ट माइनस टू वाई थ्री है क्या, कोई दिक्कत मिला आंसर, आया इस इंटरसेप्ट फॉर्म के जीरो इंटरसेप्ट सुना कल है, आइए तीन नंबर क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन ओए नॉर्मल फॉर्म में, किसमें ना है, अब फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पी की दूरी, अरे यही ना होता है भाई, ये क्या सुन सुन, यहाँ से यहाँ की दूरी को डी बोलते हैं, और ई जो निकाल डी का डी पी पी ने बोलते हैं इसमें डी नहीं पी पी बोलते हैं, और क्या बोला है, एन एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या मान निकालना, ओमेगा का मान, यानी पी ओमेगा चाहिए, इसको हटा दीजिए, क्या चाहिए, पी ओमेगा चाहिए, यानी कि पी का मान हमको इसमें चाहिए एंड ओमेगा का मान, ये सब सवाल में पहला सवाल है ये, एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस में आर, अब सुनिए हमको इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है ना, तो मानिए ए बराबर, ए बराबर ए, बी बराबर माइनस रूट थ्री, सी बराबर आर, इसका समय लगेगा इसमें, और धैर्य रखिए,
कॉस ओमेगा बराबर फॉर्मूला बोलिए ए बटा प्लस माइनस सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ निकाल लेते हैं बगल में डायरेक्ट बैठा देंगे ए स्क्वायर एक का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस रूट तीन का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक प्लस तीन यानी कि रूट अंडर चार यानी कि दो यानी कि इसका मान दो आइए कॉस ओमेगा बराबर जो हो गया प्लस माइनस ए का मान वन अब बटा में इसका मान टू कोई दिक्कत नहीं साइन ओमेगा का मान निकाल आ जाए क्या होता है प्लस माइनस बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस रूट थ्री माइनस तो वही बात हो ही जाएगा रूट थ्री बाई टू साइन ओमेगा उसके बाद पी का मान पी बराबर प्लस माइनस सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस पी बराबर प्लस माइनस आठ बटा दो यानी पी बराबर प्लस माइनस चार में सीधे प्लस चार लिखो डिस्टेंस हमेशा दो जे टू अब सुनिए हमको लिखना है क्या नॉर्मल फॉर्म लंब रूप लिखना है तो फॉर्मूला होता है एक बराबर पी पी तो वो मिल गया हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल गया अब हमको कॉस ओमेगा चाहिए साइन ओमेगा तो कॉस ओमेगा प्लस माइनस में है साइन ओमेगा प्लस माइनस में कोई तरीका है प्लस माइनस पद की प्लस में की माइनस में है कोई तरीका क्या स्लोप निकालना क्या करने का इसका स्लोप निकालिए एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस आठ बराबर जीरो तो इधर आके माइनस तो प्लस रूट तीन वाई बराबर में एक्स प्लस आठ माइनस रूट तीन वाई इधर आके प्लस रूट तीन में ना होगा तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स बटा रूट तीन प्लस में आठ बटा रूट तीन बस इसको ध्यान दीजिए एम का मान जो होगा एम कितना होगा वन बाय रूट तीन इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे एम का मान क्या हो जाएगा एक बटा रूट तीन समझ में आया एक बटा रूट तीन इंटू एक्स एम एक्स होता है ना अब सुनिए एम का मान जो है एक बटा रूट तीन एम क्या होता है स्लोप अगर स्लोप पॉजिटिव है एंगल 90 से कम एंगल 90 से ऐसे स्लोप पॉजिटिव ऐसे से मानेंगे हाँ रुकना फर्स्ट क्वाड्रेंट रुक एंगल अगर मतलब ये क्या है स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इस प्रकार स्लोप नेगेटिव को तुलना इस प्रकार होता है 90 से बड़ा 90 से बड़ा तो पहले देखना है कि इस प्रकार का लाइन कहाँ होगा यहाँ होगा तो नीचे होगा तो ऊपर होगा कहाँ होगा पहले समझते हैं तो सी सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट तो वाई पर आठ बटा तीन प्लस की माइनस प्लस और ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर यहाँ चढ़ा मतलब ऐसा हो ऐसा कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है किया था नहीं बताओ तो पहले मार के जामला बना देंगे जामला याद है अच्छा ये वो चीज ये हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में ओमेगा जो लेना है वो कहां से लेना है तनी भाई बताइएगा ओमेगा ओमेगा कहां से लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव ये ना प्लस एक्स यहां से ये लेना है ये होगा ओमेगा डिस्टेंस तो निकाल चुका है प्लस चार होगा लेकिन ओमेगा चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई क्या क्या होता है साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव तो भाई साइन का तो एकदम क्लियर मालूम चल गया कि साइन का हम क्या ले लेंगे प्लस में साइन थीटा बराबर साइन ओमेगा बराबर साइन ओमेगा बराबर प्लस में रूट तीन बटा दो हो गया ये क्लियर है सेकेंड में कॉस पॉजिटिव की कॉस निगेटिव तो कॉस ओमेगा बराबर माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो अब कॉस साइन कितना डिग्री का मान होता है रूट तीन बटा दो साठ डिग्री साठ डिग्री मतलब पाई बाई थ्री अच्छा एक मिनट तो रुक जाइए क्या पाई बाई थ्री इसमें लाई करेगा साठ डिग्री इसमें लाई करेगा नहीं लाई करेगा नहीं लाई करेगा क्या करना पड़ेगा साइन पाई माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा
क्योंकि यहाँ पाई ना है भाई, आए साइन पाई माइनस थीटा इसमें। तो सुनिए ये आपका बहुत बहुत नहीं हो रहा है, यहाँ बना दे साइन ओमेगा बराबर ई रूट तीन बटा दो क्या साइन साठ, साइन साठ मतलब पाई बाय थ्री है ना, साइन से साइन ओमेगा बराबर पाई बाय ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, यहां लेंगे ओमेगा और पाई माइनस छिट्टा, पाई माइनस छिट्टा का मान कर देंगे पाई बाय थ्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, थ्री माइनस टू पाई बाय थ्री, ओमेगा बराबर ये होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना है, किसमें निकालना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, आप निकाल लिए पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री मतलब साठ, रे भाई साठ तो यही में घुसू घुसा कर जाएगा, और इसमें जैसे घुसेगा तो नब्बे से प्लस में जाना, नब्बे से प्लस तो टू पाई बाय थ्री कितना होता है 120 होता है, ओमेगा कितना हो गया टू पाई बाय थ्री, अब इसमें रख दो एक्स कॉस टू पाई बाय थ्री, कॉस टू पाई बाय कितने आंसर है अच्छा डिग्री में है, कॉस 120 में है तो यहाँ लिख दो एक्स, अरे तुम लोग नीचे लिखना नीचे, अल्लाह यहाँ एक्स कॉस 120 डिग्री, वाई साइन 120 डिग्री बराबर में ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म, क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो अभी सवाल दो बच रहे ना, वाई माइनस दो बराबर जीरो, वाई माइनस दो बराबर, अरे भैया तो वाई बराबर डायरेक्ट दो आ रहा है, वाई बराबर डायरेक्ट दो आ रहा है तो वाई बराबर दो यहाँ पर जाए बहन भाई, इस पर वाई बराबर दो है, ये हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना भाई, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ना हो गया, अरे y बराबर यहाँ से यहाँ दूर है, हाँ y बराबर तू हो गया, ठिट्टा कितना हो गया p का मान हो गया तू, और ठिट्टा जो हो गया ओमेगा वो कितना हो गया 90 डिग्री ना, समझा भाई पॉजिटिव x एक्सिस से ओमेगा 90 डिग्री, नहीं समझा आ गया समझ, तो लिख दो x cos ओमेगा के मान 90 प्लस वाई साइन ओमेगा का मान 90 बराबर 2। कितना आसान सवाल था, तीसरा सवाल क्या भाई देखिए, देखो x माइनस बराबर, अरे बनेगा आप लोग अपने से बनेगा भाई साहब बन जाएगा ना कारा बना भाई साहब, अरे अल्लाह ने सुनो ए बराबर बोलो बी बराबर बोलो माइनस सी बराबर चार, सुनो निकालो क्या निकालना है कॉस ओमेगा प्लस माइनस ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ए का मान एक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा रूट दू ना होगा रूट दू ना होगा रूट दू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का मान एक का स्क्वायर बी का मान माइनस एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक एक का स्क्वायर एक, देखो विद्यार्थी ग्रंथ में क्या बोला था पता है, एक के स्क्वायर सर जी दू एक के स्क्वायर की दू दू चार, बड़े गधा एक के स्क्वायर दू बोला हम तो तीन के स्क्वायर छो बोली आज से, चल आज सुनो ये हो गया कॉस ओमेगा का मान, आइए साइन ओमेगा देखिए प्लस माइनस बी बटा रूट अंडर साइन ओमेगा बराबर प्लस माइनस बी का मान माइनस कर बोलिए बटा में रूट दी, अरे जब 45 पर आए बढ़िया करो ग्राह बी बराबर प्लस माइनस सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस सी का मान चार बटा में रूट दू पी बराबर बाहर देंगे तो दू रूट दू हो जाएगा, क्या प्लस में दू रूट दू नहीं समझे, चार को हम ले सकते हैं दू गुना दू बटा में रूट दू, अब ई रूट दू को हम क्या कर देंगे भूकंप आ गया इसमें
दुगुने रूप दुगुने रूप दुगुने इस रूप को बड़ा भी ये को रूप रूप दूसरा खत्म करें इसको पॉज करके लिख दीजिएगा। चलो अब आइए भाई इसका स्लोप निकाल कर देखते हैं कि भाई कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, पॉजिटिव के लिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है तो भाई एक्स माइनस वाई बराबर चार है, कुछ नहीं करने का हमको, चार को बदल जाइए एक्स माइनस वाई माइनस चार बराबर जीरो, अब वाई को बदल जाइए वाई माइनस हो जाएगा प्लस वाई को एक सीधे रहेगा माइनस चार। तो अब इसको तुलना करेंगे ये स्लोप कितना है, ए स्लोप पॉजिटिव है जी, स्लोप पॉजिटिव ऐसा होगा जी, नब्बे से कम है भाई तो देख रहा उठाऊ ना तब नब्बे पर जाए, देख रहा एगो टांगी पकड़ लेंगे वही पकड़ लेंगे उठाएंगे तो नब्बे पर जाएगा, नब्बे से कम है, नब्बे से कम है नब्बे से वाई माइनस में जाएगा। y का मान देखिए y का मान माइनस चार है, y मतलब c c c c का मान, c मतलब y का इंटरसेप्ट। ठीक है तो y इंटरसेप्ट तो माइनस चार यहाँ आ रहा है, लाइन हम ऐसे ऐसे बोले थे हाँ, तो लाइन जो ऐसे कितना ऐसे, तो भाई साहब आया किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल लेना जो होगा वो यहाँ से लीजिएगा ओमेगा, ओमेगा इसमें आया किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एट गुणा ना आए सेक और कॉस सेक और कॉस कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात सब बस मन में रहना। चलिए अब सुनो सुनो ये निकल चुका है साइन का मान निकल है कॉस पॉजिटिव ना है कॉस ओमेगा प्लस में लीजिए वन बाय रूट टू। ठीक है और साइन ओमेगा माइनस में लीजिए वन बाय रूट टू, ये माइनस प्लस से की मतलब हम रहा ये बोले ना भाई यहाँ से ये ले कॉस ओमेगा बराबर सुनिए वन बाय रूट टू कॉस पाई बाय कॉस से कॉस ओमेगा बराबर पाई बाय, किस क्वाड्रेंट में है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो किसमें से 2 पाई माइनस थीटा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई में से थीटा ये है पाई बाय 4, ओमेगा बराबर 7 पाई बाय 4, नॉर्मल फॉर्म कौती फोड़ेगा रे एक से कॉस ओमेगा का मान 7 पाई बाय 4 कितना है, क्या 300 तो 315 तो ये जगह से बाय जो करेंगे कि अब पूरा उतना विद्यार्थी नहीं कर सकता नहीं है माने तो बुखार लगा देंगे उतना नहीं करेंगे 270 प्लस कोई दिक्कत जीरो तो ये गया चार नंबर अब बस मात्र दो मिनट में जाएगा सोल्यूशन देखिए इसका फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पाइसन इसको कोई नहीं बताएगा। ठीक अभिषेक भाई तू बता इसको देखते हैं पावर तुम्हारा है सवाल को हम सवालों का मतलब तुमको नहीं समझाएंगे और वो क्या निकालना से बताओ कहां से कहां का तू बता जरा जी इसको समझाओ उसको मान लो कि तुम टीचर है मतलब हमारे जगह पे कैसे बच्चों को समझाएंगे किसी बिंदु से डिस्टेंस निकाला है बिंदु दिया है बिंदु से एक पॉइंट से कहां का डिस्टेंस कहाँ बढ़ा बढ़ा इसमें बोल बोल क्या है एक लाइन हाँ हुआ एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आगे एक पॉइंट पी है बड़े एक्स वन को ना वाई वन यहाँ से डिस्टेंस निकालना है एक लाइन का किसका निकालना है डिस्टेंस एक लाइन लाइन का इक्वेशन एक्स वन और माइनस वन को ना वन दिया होगा कितना है बारह अरे अरे सुसर को बोलेंगे बारह इंटू एक्स प्लस छ बराबर पांच इंटू वाई माइनस दो बारह एक्स प्लस बारह छ बहत्तर बराबर पांच वाई माइनस दस बारह एक्स माइनस पांच वाई प्लस बहत्तर माइनस बहत्तर माइनस दस जरा प्लस दस बराबर जीरो बारह एक्स माइनस पांच वाई प्लस बिरासी बराबर 12x
माइनस पांच वाई प्लस बिरासी बराबर, अच्छा चलिए ये हो गया। इसका जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां का डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला मालूम है किसको? एक मिनट निखिल बोलो, कुछ नहीं करेंगे तुमको, कैसे एक्सरसाइज बना लिया रे? पूरा नहीं बनाया, क्या बनाया है? तू बोल, तू बोल, बोल बोल। मॉड ए एक्स वन प्लस बी वन बी वाई वन प्लस सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। वाह हिला दिया, मॉड ए एक्स वन प्लस आ तू कर एटम उठाओ, उसे उठाए एटम उठाओ उठाए, मजाक समझ लिया है पढ़ाई की, क्या कहेंगे क्या? ये ना हो इस बात को काटना पड़ेगा, चल देना ए है, सुनो ए मोड ए ए कितना है मेरे भाई? ए बारह, ए बारह गुने एक्स वन माइनस वन प्लस बी कितना है? माइनस पांच गुने वाई वन कितना है? ए प्लस सी, सी कितना है? बेरासी का मोड बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का मान हो गया बारह का स्क्वायर माइनस में पांच का स्क्वायर। आप सुनिए, बारह एकम माइनस बारह, पांच एकम माइनस पांच और प्लस में बटा में बारह बने प्लस में पच्चीस, एक सौ उनहत्तर हो जाएगा हो ना, तो डी बराबर हो जाएगा आपका बारह पांच माइनस सत्रह, अब बयासी में से सत्रह गए थे पैसठ प्लस में बटा में तेरह इक्वल हो जाएगा। सुनिए एक सौ उनहत्तर, एक सौ उनहत्तर का होता है तेरह, तेरह पर जब अरे भाई डी बराबर से पांच निकल गया है क्या? चलिए सही बैठा दीजिए, रोड आया बैठ बैठ बैठ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, सुन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना बराबर इतना आर फोर यूनिट। अरे सुन सुन सुन, एक क्या दिया हुआ है? एक प्लेन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए या उस पॉइंट को निकालिए, एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट को निकालिए जो ई लाइन है, इस लाइन से चार यूनिट की दूरी पर है। तो ई लाइन हम जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर सुनिए 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 सुनिए, हमारा मन करे ऐसा, लेकिन ऐसा से चार यूनिट दूरी पर पकड़ा जाए, ऐसी रहने दीजिए। यहां से इस जगह से ई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन ही है एक्स बटा तीन प्लस वाई बटा चार बराबर एक। सुनिएगा बात को, समझिए, कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर, ई एक्स एक्सिस पर, ई एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताइए जो पॉइंट ई इक्वेशन का जो लाइन है, ई लाइन से चार यूनिट दूर पर है, तो चार यूनिट दूर यहां भी हो सकता है, चार यूनिट दूर यहां भी हो सकता है, चार यूनिट दूर यहां भी हो सकता है भाई, कहीं भी हो सकता है। सुनिए सुनिए सुनिए, x एक्सिस पर बता रहा है, कहां लिखे बताइए, यहां लिख दे, मान लेते हैं अपना मर्जी है भाई, कि बाद में देखा जाएगा कि माइनस प्लस में आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा होगा तो इन्हें टिक देंगे इन्हें बगल। अच्छा सुनना, एक काम करते हैं, इधर लेके चलते हैं, प्लस में आ रहा हो तो बढ़ाने में बढ़िया रहेगा, इधर कर दिया, यहां कर देते, यहां का कोऑर्डिनेट बताएगा एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा एक्स में कुछ ना कुछ बढ़ेगा, इसमें वाई में नहीं बढ़ेगा। अब सुनो 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 सुनो, यहां पर एक पी था एक्स वन कॉमा वाई वन, यहां से एक लाइन का जो है डिस्टेंस ये ना, ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस चार दिया है, इक्वेशन भी इसका दिया हुआ है एक्स बटा तीन, जैसे शॉर्ट कर दूंगी, उत्तर हो जाएगा बारह,
चार ए बारह चार एक्स प्लस में चीजों का बारह तीन वाई बराबर ए, चार एक्स प्लस तीन वाई बराबर हो गया बारह, यानी चार एक्स प्लस तीन वाई बढ़ोगे माइनस बारह बराबर शून्य, इक्वेशन हो गया चार एक्स प्लस तीन वाई माइनस बारह बराबर, तो ए बराबर बोली चार, बी बराबर बोली सी बराबर बोली। अब समझ में आया क्या करना है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो लगा दीजिए, एक्स वन का मान कितना है साहब एक्स, वाई वन का मान कितना है साहब जीरो, निकालना यहाँ एक्स को मान जीरो, एक्स को कुछ ना कुछ निकलवा तो करेगा निकाले जी। आइए डी बराबर फॉर्मूला होता है मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक चीज ए ए का मान चार एक्स बी वाई बी का मान तीन गुने वाई वन प्लस सी का मान माइनस बारह कर दीजिए डाटे बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर चार स्क्वायर प्लस है चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर नहीं तो वो तो पहले वही पहले ही पांच मिल गया। डिस्टेंस का मान कितना है, डिस्टेंस का मान चार दिया है। अगला पता बना अच्छा मुझे इसको और बढ़ा देते हैं, चार बराबर मोड चार एक्स प्लस माइनस बारह है अरे वो माइनस एक्स प्लस हमने माना है अभी अभी एज्यूम किया है, अपन वैल्यू जो आएगा ना एक्स का अगर माइनस में आता है तो इधर होगा, अब माइनस में कहीं नॉन एक्स के मानता हूँ, अगर प्लस में आ गया तो इसको उठा के यहाँ करना पड़ेगा। सर कुछ मान सकते हैं हाँ मोड लगा हुआ है ना, मोड लगा हुआ तो देख ले चाप के यार बढ़ाते हैं क्या करना चाहिए हमको, मोड में चार एक्स माइनस बारह बराबर चार पंचे। अब देखिए मोड के अंदर अगर कोई कोई वेरिएबल टर्म हो जैसे एक्स या वाई कुछ हो मोड के अंदर तो उसको थोड़ा तरीका बदलते हैं, उसको क्या करते हैं इसको लिमिट एंड डेरिवेटिव में पढ़ेंगे ठीक है। मोड में से जब अगर मान लीजिए मोड में रहता है तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का तो प्लस होता है माइनस का भी प्लस हो जाता है, लेकिन जब मोड को हटा देते हैं तो ये जो है आगे प्लस माइनस हो जाता है, याद रखिएगा अगर मोड में एक्स है ठीक है तो आगे हमको मोड में एक्स बराबर वन है तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस वन, मोड में अगर एक्स है तो एक्स बराबर प्लस माइनस वन याद रखिएगा, लिमिट में पढ़ाएंगे तो हम लोग टेकिंग पॉजिटिव पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेने पर चार एक्स माइनस बारह बराबर प्लस बीस, तो चार एक्स बराबर हो जाएगा बीस माइनस बारह प्लस बारह, तो चार एक्स बराबर हो गया तो एक्स बराबर हो गया आठ प्लस में आठ, अरे एक्स बराबर आठ हो गया मतलब एक्स कोमा जीरो आठ कोमा जीरो आठ, अरे भाई सुनो और निगेटिव साइन लेते हैं टेकिंग निगेटिव साइन क्या है चार एक्स माइनस बारह बराबर माइनस बीस, अरे आइए ना प्लस माइनस लेना भाई चार एक्स बराबर माइनस बीस माइनस बारह प्लस बारह चार एक्स बराबर माइनस आठ एक्स बराबर माइनस दो यानी माइनस दो को मैं जीरो हो जाएगा, अरे तो माने हैं तो ठीक है माने इस्तीफा दे कि भाई अरे लेकिन देखो सवाल पूछ नहीं रहा कि सर सर क्या कहिएगा सर ये तो हो गया माइनस दो को मैं जीरो तो ठीक है यहां से चार यूनिट पढ़ाइए है लेकिन सर एगो माइनस आठ एगो प्लस में आठ आ रहा है एगो प्लस में तो बात को समझाए हम अगर अच्छा आपके आगे बढ़ाना दीजिए इसको तो नहीं नीचे ले आइए इधर देखिए कितना बनता है जीरो का थे नीचे इसको तनका एने ले आइएगा तो यह एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अरे रे 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 ई लाइन से इसकी दूरी कितना हो गई चार, ए लाइन से इसकी दूरी कितना हो गई
चार। दोनों जगह की दूरी है कि नहीं जी? यह चार यूनिट है, यह चार यूनिट है, दो जगह तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत, सवाल टेंशन सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अरे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल के बीच का डिस्टेंस याद कर देना कभी। पहला सवाल, दो का पैरेलल लाइन है या एसी का डिस्टेंस निकालना है। अरे 15 x प्लस 8 y माइनस 34 बराबर 0, 15 x प्लस 8 y प्लस 31 बराबर 0। ए कितना होता है 15, बी कितना है 8, 81 माइनस 34, 82 प्लस 31। इसके जो इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल c2 - c1 बटा 2 बटा a2 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 बटा a2। होते जोर से बोलेगा तो जो देख रहा है सबको सुनाई देगा, तने हिसाब से बोलिए एक दो बार में। c2 c2 है 31 माइनस c1 c1 कितना माइनस 34, तो माइनस माइनस प्लस 34 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 225 8 24 289 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 34 65। हां मोर हटा दीजिए प्लस है ना, आई हो जाएगा 225 प्लस में 64 65 बटा हो गया रूट अंडर 289 65 बटा 17 है क्या। दूसरा सवाल क्या कहता है भाई, l into x plus y, अरे गुणा कर गुणा कर गुणा कर, l x प्लस l y प्लस में p बराबर 0, और एकरो गुणा करेंगे तो l x प्लस l y माइनस r बराबर 0, और a बराबर, अरे भाई a बराबर b बराबर c बराबर, अरे c1 बराबर p प्लस का प्लस में p, और a टू बराबर माइनस r। अरे वैसे का फिर उतने का तर्क आ जाएंगे सबको, समझो यहां b बराबर हो गया mod c2 minus c1 बटा में root under a square plus b square, c1 minus c2 भी हो सकता है, c2 minus c1 भी हो सकता है, c2 minus c1, c1 c2 क्या minus r, minus r minus में क्या b p minus में plus में b, बट रहने दीजिए ना भाई, आ सुन 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 सुन, अगर आपका मर्जी है कि हम यहां c1 minus c2 लिखे तो हम बदल देंगे, हां क्योंकि मोड लगा हुआ है, c1 माइनस c2 भी जगह c1 कितना हो जाएगा p माइनस क्या हो जाएगा r, तो मतलब प्लस r हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको बदल दीजिए p प्लस r मोड में मोड से बाहर कर दीजिए तो रूट अंडर कितना 2l स्क्वायर, तो क्या जाएगा p प्लस r बटा में रूट में 2l बाहर हो जाएगा, मोड बाहर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं हो जाए बड़ा आगे जी। आई लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल, अब बौकल्ले बता रहे थे इसी में, आ तुम लोग बौक रहा था इंट्रोडक्शन में, अभी पूछ लेते हैं, चलिए हिसाब से एक इक्वेशन निकालना है एक लाइन का जो इस लाइन के पैरेलल है, एक लाइन तो मालूम है ऐसे है, एक लाइन तो ऐसे है जिसका इक्वेशन कितना है 3x माइनस वाई माइ प्लस में 2 बराबर 0, एगो आर लाइन इसी के पैरेलल है, एगो आर लाइन इसी के पैरेलल है, इसका इक्वेशन बताइए। यदि ई लाइन ई लाइन जिसका एगो पॉइंट कितना हो माइनस 2.3, कहीं भी हो यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी हो, कैसे निकालेगा तो नहीं बताओ, स्वरूप से भेट कराते करो स्वरूप चाहिए उसका स्वरूप भाव, उसके बाद कुछ दोनों का स्वरूप बराबर होगा, दोनों का स्वरूप बराबर से इक्वेशन निकल जाए, इंटरसेप्ट कौन से निकलते हैं क्या बराबर ना बराती में आया है, अरे ई लाइन का इक्वेशन इतना है तो ई लाइन का इक्वेशन 3x माइनस वाई अब प्लस में इस सी नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन ये दोनों तो सेम में होता है, इसी नहीं मालूम है क्या होगा,
जब ई लाइन का जो समीकरण है आए इस समीकरण जब ई पॉइंट पर दिया हुआ है इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई जरूर करेगा। अरे एक लाइन है इस पर 2.3 हो 1.4 हो ना, इसका समीकरण निकालते हैं कोई भी समीकरण तो उस समीकरण एक्स वाई को तो भाई सेटिस्फाई करता होगा। हाँ यानी कि तीन एक्स माइनस चार वाई प्लस सी सी माने हैं अपना से क्योंकि ई दोनों सेम होता है जब लाइन पैरेलल हो ई दोनों सेम होता है खाली सी वन सी टू लगा होता है। ये ना कल बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। हाँ अब सुनो तो ई एक्स के टेबल पे कितना रख देंगे माइनस टू नहीं पैरेलल है तो उससे बन रहे इस सुन ना इस सुनो सुनो इस लाइन का क्या निकालना चाहेगा स्लोप इस लाइन का स्लोप तो दोनों का स्लोप सेम होगा दोनों का स्लोप सेम होगा निकालेगा जैसे y माइनस y1 बराबर में m इनटू x माइनस x1 तो यहाँ x x1 y1 दे सकता है इसका एक पॉइंट है इसका हाँ हो सकता है करो बैठो अब चलो हाँ बढ़िया y का मान तीन प्लस सी नहीं मालूम बराबर जीरो तो तीन दो माइनस छ ई माइनस में छ तरी चार बारह प्लस सी बराबर जीरो तो बारह छ माइनस अठारह प्लस सी बराबर जीरो तो सी बराबर कितना हो गया अठारह एक निकाल दीजिए वो तो क्या मालूम तीन एक्स माइनस चार वाई सी के मान अठारह यही है इतना इजी सवाल था। अच्छा एगो सवाल में बच्चा का कन्फ्यूजन हो रहा था कल वाला बीस में जैसे वीडियो रुक गया था कहिएगा कि सर ई एम का मान और सी टू सी वन सी टू और सी वन रखेंगे सी कौन वाला ई वाला सात है सी टू ई वाला रखेंगे नहीं नहीं सी वन सी टू कहाँ के लेंगे ई वाला सी वन और सी टू नहीं इस फॉर्मूला में बनाया है बना कलाया है इस सवाल में बना कलाया इसमें सी वन और सी टू कहाँ से लेंगे पता है कल पता करके आना कल बना कर आना ये होमवर्क है न चेक करेंगे तो बुखार नहीं लगाएंगे याद कर लीजिएगा क्या नहीं लगाएंगे क्या बोलेगा उसे सुनो इस सी टू इस सवाल को बना कर आना सिर्फ इस पर बना कैसे निकाल दिए होंगे दोबारा पांच इस पर बना कर आना इस पर सी टू माइनस सी वन सी वन सी टू ये पांच और सात जो यहाँ लिए हैं वो यहाँ पर नहीं होगा पांच और सात तो कौन सी वन सी टू होगा ये खोजना है और इस सवाल को बनाना है कल एक कॉपी में चेक करेंगे ठीक है याद है। आप लोग भाई साहब आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि मेरा आ गया ये बस सवाल बन गया आपसे कमेंट कर दीजिए आज देखिए एक साल बाद देखिए आप लोग भी कर दीजिएगा किया गया आज आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए इसके बाद हम लोग आएंगे पार्ट इसके बाद जो है पार्ट टू में हम लोग करेंगे जितना तक बढ़ जाए ठीक है लेकिन कोशिश करेंगे कि 50-40-50 मिनट में हो जाए ठीक है। तो भाई साहब पढ़ते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए रिवीजन करते रहिए ऑल द बेस्ट।